बाजार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लू मेडिक्स अब आपके शहर सिवान में। जी हाँ, अब सिवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयाँ 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सिवान। संपर्क करें 9264470096 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कि अभी नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है और 20 अक्टूबर को मतदान होना है, और कल हम लोग को सिंबल भी मिला हुआ है, 1 नंबर में कप प्लेट मेरा चुनाव चिन्ह है। और मैं आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैं अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, और मैं आप लोग के माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ, ये अति पिछड़ा महिला के लिए पद सुरक्षित है। तो मैं सभी सिवानवासियों से, नगरवासियों से आग्रह करती हूँ कि आप अपने बीच ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो आपके बीच के समस्याओं को रख सके और सदन में आपकी बातों को उठा सके और सिवान का विकास हो सके। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि आजकल जो सिवान नगर की जो दुर्दशा है सफाई को लेकर, चूँकि हम लोग का लगातार सभी वार्डों में दौरा चल रहा है और वहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश है देखने को मिल रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर। तो मैं आपके माध्यम से जनता के बीच अपनी बातों को रखना चाहती हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित मैं सिवान का जो स्थिति है उसे निजात दिलाने का प्रयास करूँगी। हाँ जी, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। आज से 2 टर्म पहले मैं नगर परिषद की चेयरमैन थी, उस समय संसाधन नगर परिषद का कम था, जो सफाई का हैंड्स था वो नगर परिषद के पास जो था उससे हम लोग सिवान का सफाई करते थे। तो आप अगर 10 साल पीछे जाएंगे, आप भी सिवान के हैं, या फिर यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि आज जो व्यवस्था है 10 साल बाद और पहले जो 10 साल पहले था वो इससे बेहतर था सफाई को लेकर। जल जमाव की भी अभी जो समस्या है वो नहीं थी, जबकि हमारे पास संसाधन कम थे, आज संसाधन ज़्यादा है। आपको पता होगा कि 2 NGO भी इस कार्य को करने में लगा हुआ है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बावजूद भी शहर साफ सफाई काफ़ी दयनीय स्थिति है। चूँकि जनता के पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, जब नगर परिषद के पास जो अपना संसाधन है वो है ही, उसके अलावा 2 NGO के माध्यम से भी बहुत सारा हैंड्स लिया गया है, उसके बाद भी अगर सफाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं नगर परिषद इसका जिम्मेदार है। चूँकि देखिए, सिवान की जनता जो है नगर परिषद को अपना टैक्स दे रही है, लेकिन नगर परिषद के माध्यम से जो उनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं नगर परिषद जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारियों को वो ठीक से नहीं निर्वहन कर रहा है। और जनता का ये हक बनता है कि वो जब टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें सुविधा भी नगर परिषद मुहैया कराए। सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी कि अभी जो नारकीय जीवन पूरे शहरवासी जी रहे हैं उससे मैं निजात दिलाऊं। मेरे पास कुछ मास्टर प्लानिंग है जिसके तहत मैं सिवान शहर को कचरा से मुक्त और स्वच्छ वातावरण में शहरवासियों को रखूंगी, और साथ में जो जल जमाव हो रहा है तो नालों का मास्टर प्लानिंग के तहत निर्माण कराऊंगी, जिससे शहरवासियों को जल जमाव से मुक्ति मिले। और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे यहाँ पे बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए खुले हवा में सांस लेने का कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे घर के सदस्य जाएं अपने परिवार के साथ और कुछ समय व्यतीत कर सके। तो उसके बीजेपी है और के बहुत नेता जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं, कई नेता बीजेपी को उनके साथ दिख रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष भी तक उनके साथ दिख रहे हैं और आपके साथ दिख रहे हैं, क्या माना जाए बीजेपी है? चूँकि मैं हूँ भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाई है,
और आप देखे होंगे कि बहुत सारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ भी हैं और मेरा काम भी कर रहे हैं, ये किसी से छुपा भी नहीं है। सिवान के नगर हो सकता है क्योंकि पार्टी सिंबल पे तो चुनाव हो नहीं रहा है तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि मैं अपनी लड़ाई खुद जनता के बीच लेकर के जा रही हूँ और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो स्वयं नहीं जा रहे हैं, उनकी लड़ाई उनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य ही लड़ रहा है। भ्रष्टाचार पर क्या रोक लगेगा? मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास कार्य योजना है, उस योजना से मैं चलूंगी तो निश्चित भ्रष्टाचार पे रोक लगाऊंगी अगर मुझे जनता मौका देती है तो। मैडम, नगर परिषद भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है, ऐसे में लोगों के पास जाकर वोट मांगना कितनी बड़ी चुनौती हो रही है? नहीं, मेरे लिए चुनौती नहीं हो रही है। मैं जिस क्षेत्र में जा रही हूँ, जिस भी वार्ड में जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा मायका भी यहीं है, 9 किलोमीटर के रेंज में है, और मेरा ससुराल भी यहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर वालों के पास जा रही हूँ और जनता का भरपूर सारे वर्ग का मुझे प्यार मिल रहा है और मुझे कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। जनता के मन में है कि मैं फिर से पुनः उस जगह पर आऊँ, लेकिन जनता के बीच आक्रोश भी है, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, उसको लेकर जनता में रोष है। और चूँकि हिंदुओं का महान पर्व दशहरा भी किया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा रही होगी कि उस क्षेत्र को भी नगर जैसे विकसित करें, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें निश्चित सरकार की तरफ से कुछ कार्य योजना होगा और जो भी होगा हम लोग निश्चित उसमें 100% लागू करने का प्रयास करेंगे और खुद से मेरा भी प्रयास होगा कि विभाग से संपर्क करके बोर्ड के माध्यम से उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वर्क कराएं ताकि वो भी शहर में जो वार्ड हैं उनके जैसा वो दिखने में प्रतीत हो और जनता को सुविधा मिल सके। अभी जो जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, खासकर जो 18 नए गांव जुटे हैं, उनमें लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है? क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल नए नए जुटे हैं और जो अन्य आपके जो अगर प्रतिद्वंदी कहे वो लोग भी जा रहे हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि जनता में काफ़ी उत्साह है, वो उत्साहित है कि वो शहरी क्षेत्र में जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक नया मौका है और वो ये सोच के उत्साहित हैं कि वो उनको भी शहर जैसा मूलभूत सुविधा मिलेगा। युवा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, करीब करीब 2 लाख वोटर हैं, युवाओं से क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में तो 2 लाख टोटल वोटर नहीं है, पूरे ज़िले की बात अगर करते होंगे तो हो सकता है। मैं युवाओं से अपील करूंगी कि चूँकि ये जो पद है अति पिछड़ा महिला के लिए रिजर्व है, तो आप अपने बीच ऐसे उम्मीदवार को चुन के भेजें जो आपके बीच सालों भर रहता हो और जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हो और आपकी बातों को समझ सके और सदन में उठा सके और सिवान का विकास हो सके, मेरा यही आग्रह होगा। हमने बेटी बहू बहन सब माना है और आप देखते होंगे कि ये इनके पीछे कोई लश्कर नहीं चल रहा है, अकेले हैं, अपनी पहचान है, 2 बार रह चुकी हैं, आप लोगों ने देखा है कि उस दरमियान नगर परिषद की क्या स्थिति रही, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चलाया है और साथ ही साथ जो त्याग भी हम कहेंगे कि एक त्याग भी इन्होंने किया है कि अपने पति और देवर के लिए या किसी संबंधी के लिए वार्ड नहीं चुना है, नहीं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं मैदान में उनको दोनों चाहिए, उनको वार्ड भी चाहिए और उनको अध्यक्ष पद भी चाहिए, उपसभापति भी चाहिए, तो ऐसे लोगों से बचना है हमको और जो जेन्युइन लोग हैं उनको चुनना है। तो क्या लगता है जो लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं वो दोनों लड्डू गायब हो जाएगा? जो लोग दोनों हाथ में लड्डू के पीछे आप ये देखें कि उनकी मनसा क्या है, दोनों चीज़ चाहिए, या तो आप भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना चाहते हैं, जिस तथाकथित भ्रष्टाचार की बात हो रही है आप उस पर उसका बढ़ावा देना चाहते हैं और वैसे लोगों को उस समर्थन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी मनसा पहले ही यह दर्शा रही है कि उनको दोनों पद चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, वादा करना और उसका कार्यान्वित करना दोनों दो चीज़ें हैं। वादा बहुत कुछ किया जा सकता है कि सिवान को हम इंटरनेशनल लेवल पर कर देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जनता को वो मिलनी चाहिए, गंदगी से निजात मिलना चाहिए, जो चिल्ड्रेन पार्क बनना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है हुआ, जल हुआ, ये सब हुआ, इसकी सुविधाएं होनी चाहिए, वही काफ़ी हम लोगों के लिए। आम जनता से क्या अपील करेंगे?
आम जनता से अपील करेंगे कि आइए हम सब मिलजुल कर अनुराधा गुप्ता का भारी मतों से विजयी बनावें और उनको अध्यक्ष पद पर काबिज करें। अनुराधा जी का समर्थन क्यों? देखिए सीधी सी बात है, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार खरीद बिक्री पे रोक लगेगी। पहले का किसी का भी होता था ना मन में कि लोग पार्षद खरीद, तो मैंने जैसे सुना है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, मेरे को तो मुझे तो याद है कि एक बार जिला परिषद की इसमें था कि सारे वार्ड पार्षद को कहाँ ले गए, मथुरा कहाँ घुमाने, होटल में बंद गए, वो सब पे रोक लगेगी। अब तो जनता को चुनना है, मैं साथ दे रही हूँ, मैंने कुछ खूबियाँ देखी होंगी इसलिए मैं साथ दे रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को जो प्रशासन चलाने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, अनुराधा में है तो मैं इसके साथ हूँ। सब खूबियाँ आप कह रही हैं, एकाध खूबी हम लोगों से भी शेयर करिए। एकाध हाँ नहीं, खूबियाँ यही है कि मैंने देखा है कि अभी अनाउंस हो रहा था लेकिन इसको देखते हैं, हमेशा जनसंपर्क में रहती हैं। और एक मैंने देखा है कि कभी कोई, मैं अपने बारे में नहीं बात करती हूँ, मैंने कभी किसी को भेजा इसके यहाँ कि ये इसको प्रॉब्लम है जरा देख लेना, ये कभी मैंने ऐसा नहीं कि इन्होंने इनकार किया हो, बल्कि वहाँ जा के देखती थी। तो मैंने दो चार बार वॉच किया है कि जब मैंने पब्लिक को ज़रूरत पड़ती है, जब भी किसी आम जनता को कोई सुविधा देने की होती है, बा सरकारी जो होती है, जो आता है सरकारी जितने भी योजनाएं हैं उसका लाभ जहाँ तक होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे ही ग्रुप की पिंक ऑथन की थी, उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, जबकि इसके वार्ड में नहीं आता, इसने उनके वार्ड पार्षद से कह के वहाँ थोड़ा ही दूर पे रोड बनवाए, वो आज भी उस मेरे को थैंक्स देती हैं। तो मेरा ये कहना है, मैं जो कहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ, हम लोग चूँकि सामाजिक हैं और मैं भी एक प्रशासन में रह चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि सारी खूबियाँ प्रशासनिक जो हैं इनमें हैं और ये बोल्ड भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी के कहने पे डर जाए, मैं देखती हूँ कि ये जब भी जाती हैं, या ऐसा नहीं है कि कोई पूरा कारवां लेके, हाँ जिसका मन होता है वो जुड़ते चले जाते हैं। तो कोई एक अच्छे काम के लिए जाएगा तो वैसे पब्लिक को चाहिए कि ऐसे ही लोग हमारे बीच आएं जो हमारी सुने। उसके बाद ना तो इनके पति के पास जाना है, ना ही देवर के पास जाना, डायरेक्ट इनसे जाकर अपने कोई समस्या लोग कह सकते हैं, वैसे में क्या लगता है इनको ही चुनना बेटर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चुनना, मैं तो अपील करूंगी कि आप, मैंने पहले रह चुकी हैं इनके, मैंने रह चुकी हैं, इनके काम की भी प्रशंसा हुई है। और एक बार जो बोल रही थी, मैं भी सुन रही थी कि उस समय संसाधनों की कमी थी, आज संसाधन बहुत है, उस समय इतने बड़े बड़े आपको कचरा वाले नहीं मिलते, कचरा का जो गार्बेज ये नहीं मिलता था जार, और छोटे छोटे घर पे उस समय कम थे। और जो बीच में हुआ था कि बहुत सारे अंबार लगे थे, तो ये क्या है ना, नगर परिषद के जो काम करने वाले जो हैं, जो कचरा उठाते, उन लोगों का हड़ताल था, तो कहीं भी जमा कर देते हैं। तो ये सबसे निजात ये दिलाएं, ये हम चाहते हैं कि हमारा सिवान सौंदर्यीकरण में एक नंबर हो, बच्चों के घूमने के लिए कहीं जाने का पार्क नहीं है, जो ओल्ड एज के हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, घर में बैठे रहते हैं, उनको कम से कम ऑक्सीजन में ऐसा एक पार्क उर्क होना चाहिए कि जो सुबह शाम वॉक कर सके हेल्थ के लिए। और आपका जो एनवायरनमेंट है वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेगा जब हमारा सिवान साफ सुथरा रहेगा, और नल जल की जो योजना है वो पूरे घर घर तक मिले, ये नहीं कि नाला बन गया खुला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह कचरा वहीं फिर डाल दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आपका सिवान स्वच्छ और साफ रहे, इसके लिए भाई पब्लिक को भी थोड़ा जागृत होने की ज़रूरत है। आप ऐसे ही कैंडिडेट को चुनें, मैं नहीं करूँ, मेरा है, मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, मैं इनके भावनाओं को देखती हूँ कि मैं सबके साथ जुड़ी हूँ, इनके इनमें क्षमता है और सी इज़ द बेस्ट। लोगों से इनके लिए वोट करने के लिए कह रही हैं मैम आप? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, अपील कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, और मैंने बुलाया है कि मेरे इधर भी आओ, एक बार घूमा जाए। इन्होंने अच्छा, इनका एक दिमाग अच्छा लगा कि ये जो 10 जो गांव जो बोल रहे हैं कि बढ़ गया है पंचायत, उसमें वो पहले ट्राई की, वो नहीं जानते हैं नगर परिषद का चुनाव क्या है, वो तो हमेशा देखें पंचायत का। तो ये प्रयास इनका मुझे अच्छा लगा, इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा सबसे बढ़िया वहाँ, फिर इधर जो ये रही हैं हम लोग के वार्ड में, सब जब चेयरमैन रही तो सारे लोग जानते हैं कि एक बार ये चेयरमैन रही हूँ, वो लोग को जानना चाहिए जो कभी चेयरमैन नहीं, मैंने जानते हैं कि चेयरमैन क्या होता है, वहाँ तक पहुँची है, ये अच्छी शुरुआत है। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता, और सबसे बड़ा तो मौका आपको मिला है कि आप चुनिए, अब पैसे की बात भी नहीं है कि आप होटल में बंद कर दीजिएगा, करोड़ों खर्च कीजिएगा, अब आप अपने स्वच्छ ये से, अपनी छवि से और अपने मेहनत से और अपने काबिलियत के बल पे आप चेयरमैन बनेंगे, ऑल द बेस्ट, बनना ही है। और सबसे पहले तो मैं जिस
समय हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नवरात्रा चल रहा है। मैं अपने जिला वासियों को, अपने नगर परिषद के जितने भी अपने वासी हैं उन सबको मैं नवरात्रा की शुभकामना देना चाहता हूँ और दशहरा की शुभकामना देना चाहता हूँ। हम लोगों ने इनको पहले चेयरमैन के रूप में भी देखा है, वार्ड पार्षद के रूप में भी देखा है, इनके कार्यों को भी देखा है। हम लोग अच्छाई किसी की 10 भी होगी तो नहीं कहते हैं, अगर कहीं कोई बुराई नहीं भी होगी तो हम लोग उसमें से बुराई खोजते हैं कि कोई तो बुराई मिले हमको इनको गिफ्ट करने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक मैंने इनके अंदर इस तरह की कोई खराबी नहीं देखी है जो कि हम कहें कि नहीं अनुराधा जी इस योग्य नहीं है। अभी आज के माहौल में आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग हर जगह जाते हैं, पूरा जिला का भ्रमण करते हैं, मेरा अपना जो सोच है आप लोग भी इस चीज़ को मानेंगे कि अभी ये एक नंबर में चल रही हैं। समुची जनता का, सब समाज का, ऐसा नहीं वैसे समाज, सभी समाज का इनको समर्थन मिल रहा है। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, OCB हो या अपर कास्ट हो या हमारे बिजनेस क्लास हो, सबका इनको सहयोग मिल रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इनको बहुमत अधिक से अधिक वोट देकर इनको विजयी बनावें। हम लोगों का इनके ऊपर इतना अधिकार रहेगा, आज हम लोग देते हैं कल ये कार्य नहीं करेंगी जनता का, जाएंगी कहाँ? जनता को विश्वास करना चाहिए, जैसे पहले विश्वास कार्य इन्होंने कार्य किया। आप ऑथेंटिक एक भी शिकायत बताइए, कहने के लिए तो हम 100 शिकायत कर देंगे कि अनुराधा जी में ये कमी है, उनमें ये कमी है। किस में कमी नहीं है, लेकिन उस कमी को कॉज देखिए। क्यों आपने कहा कि विकास नहीं हुआ? सर, अभी जो फंड मिल रहा है, क्या पहले वो फंड मिलता था? आज आप जितनी सेवा कर सकते हैं जन सेवा के रूप में, क्या उतना पहले कर सकते थे? चाह के भी नहीं कर सकते थे। आज जितना बड़ा एरिया बढ़ा है, संसाधन बढ़ा है, इनको 5 साल का चेयरमैन का एक्सपीरियंस भी है, तो मेरी अपने समझ से सभी से ये बेहतर जरूर रहेंगी। और संपूर्ण समाज का इनको सहयोग है, कहीं भी जाइए इनके, ये अपने नाम की या पहचान की मोहताज नहीं है, और स्वयं लड़ रही हैं। और कहीं भी आप जाइए, कभी रात को 12 बजे आइए, इनका दरवाज़ा खटखटाइए, तुरंत खुलेगा। और भरसक ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम आपको उस चीज़ का निदान दें। मैं जनता से अपील करूंगा, और मैं स्वयं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, रेड क्रॉस से, वैश्य समाज से, गौशाला से और कई संगठनों से, KSC के IG कमेटी का मैं मेंबर भी रह चुका हूं। तो चूंकि मैंने सामाजिक जीवन को देखा है, आप कितना भी करिए लोग आपकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन बुराई नहीं करे यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप इनको मौका दीजिए, आइए इंडिपेंडेंट। अभी हम दूसरे के बल पर चेयरमैन बनते थे, आप एक उंगली दिखाते थे कि भैया ऐसे नहीं करोगे तो हम गिरा देंगे, हम अपाहिज हो जाते थे। आज आप हमको उंगली नहीं दिखा सकेंगे, ये अपने विवेक से और अपनी सोच से जनता की सेवा करेंगे, सिवान का विकास कैसे हो ये करेंगे। और समाज के लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, इनके जीतने के बाद सिवान के विकास के लिए ये क्या कर सकती हैं, इनको राय या सजेशंस देना वाजिब होगा। सर, 5 उंगली बराबर नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि 80-85% व्यवसायी इनके साथ में, 100% की कोई भी समाज की कई प्रत्याशी चुनावी मैदान। जी हाँ, तो मैंने कहा ना इनके साथ प्लस पॉइंट है। सबसे पहला तो लेडीजें स्वयं उस चीज़ को गिल करती हैं, दूसरा ये एक टर्म रह चुकी हैं, इनके ऊपर कोई इस तरह का लांछना नहीं है, ये भू माफिया नहीं है। आज हमको अपनी जनता को भू माफियाओं से भी बचाना है। आज जमीन आपकी है, हमारे हाथ में पावर आया, हमने उल्टा सीधा पेपर करके अपना नाम कर लिया। सर, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप लोगों के पास होंगे। कम से कम मैं श्योर कर सकता हूँ सिवान की जनता को, इनके रीजन में इस तरह का कोई कार्य हो तो आप मेरा आके बीच चौराहे पे कान पकड़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। श्याम सुंदर नांगलिया, मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ समाज सेवा के रूप में। देखिए, सरकार का जो ये प्रोग्राम आया, आधी सीटें महिलाओं को दिया जाए और महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार तभी मिल सकता है जब महिलाएं स्वयं काम करें। यहाँ स्थिति ये है कि इनके मुकाबले में जो लोग भी आए हैं, किसी के पति लड़ रहे हैं, किसी के देवर लड़ रहे हैं, किसी के भसुर लड़ रहे हैं, किसी की बहू लड़ रही है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। ये एक सिंगल कैंडिडेट है जो स्वयं लड़ रही है, और इनके संघर्ष को आप लोगों ने देखा है।
ये अति पिछड़ा है ये एक अलग मैटर करता है, लेकिन जब ये अति पिछड़ा नहीं भी होता तो अनुराधा जी ने ये मन बना लिया था कि हमें नगर परिषद सभापति के लिए इलेक्शन लड़ना है तो लड़ना है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि करीब करीब विगत एक साल से ये एक्टिव हैं, और जितना वार्ड नया बना हो चाहे पुराना बना हो, कोई ऐसा वार्ड नहीं हो है जहां ये दो बार तीन बार चार बार भीट नहीं कर सकी है। इनके दिमाग में एक प्लान है, मुख्य चीज होता है कि नगर परिषद की आमदनी को बढ़ाना, नगर परिषद की आमदनी को बढ़ाना, कचरा का प्रबंधन करना, ये मुख्य रूप से कार्य होता है। इनकी प्लानिंग है ऐसा है, चूँकि अब तो एक जगह है निर्धारित, अब कचरा का क्या होगा, कचरा का क्या प्रबंध होगा, गीला कचरा कैसे क्या होगा, सूखे कचरे का क्या होगा, गीला कपड़ा से खाद बनाया जाएगा, कैसे उसको प्रोग्रेस करके नगर परिषद का आमदनी बढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें इनके दिमाग में है। जो भी पहले भी था गीला कचरा सूखा कचरा उठाने का अलग अलग ये प्रबंध पहले भी था जी, जो यहाँ पर एजेंसी थी जिनको दिया गया था जी, वो ऐसा नहीं करते थे पहले, नहीं करते थे तो अब करना होगा। और एक मशीन आती है जिस मशीन के द्वारा छटाई होता है, और वो मशीन जो है यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल ये करके अलग अलग कचरा का प्रबंधन करके और गीले कचरे से खाद बनाकर म्यूनसिपैलिटी की आमदनी इससे बढ़ेगी। फिर इनके दिमाग में इस तरह की प्लानिंग है कि एक ऐप हो, और आप अगर आपका जो होल्डिंग नंबर है उस होल्डिंग नंबर पर आपको टैक्स जमा करना हो तो कम से कम एक महीना पहले आपको रिमाइंडर किया जाए कि साहब आपका होल्डिंग नंबर का पैसा जमा करने की तारीख इस समय है, आप कृपया वहाँ जमा कर दीजिए, नहीं तो आपको फाइन लगेगा चाहे जो भी लगेगा। ये तमाम चीज़ें इनके दिमाग में है, तो इनसे बेहतर कैंडिडेट कोई दिखाई नहीं दे रहा है हमको। तो मैं सिवान की जनता जो नगर परिषद की है या जो ज़िले की है, दशहरा के शुभकामना देते हुए और इस नगर परिषद की तमाम जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अनुराधा गुप्ता को कप प्लेट पर मुहर लगाएं और भारी से भारी बहुमत से जिताएं कि आपकी आकांक्षा और आपकी इच्छा जो है पूर्ण रूप से पूरी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, पहली बार जो हम लोग के चुनाव चिन्ह मिलने के पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जितने भी हमारे व्यवसायी लोग हैं, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े भाई हैं, सब लोग हम लोगों के साथ हैं, और सिवान की पूरी सामान्य जनता जो भी है सभी हम लोगों को देख रही है। और निश्चित रूप से आने वाले 20 तारीख को जो 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है उसमें हम अपना समर्थन देने वाली है, और सिवान की सामान्य जनता सब कुछ देख रही है कि कौन कौन से प्रत्याशी कैसे कैसे हैं और सिवान के विकास कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग तो वैसे भी कैंडिडेट अपने दिए हुए हैं जो जेब के प्रत्याशी हैं कि एग्रीमेंट करके दिए हुए हैं कि आप बनिए और हमको हमारे हवाले कर दीजिएगा, मतलब रबर स्टाम्प के तौर पे, जो कि भूमाफिया जी आज जनता देख रही है सब, और भूमाफिया जी जैसे कि लोग देख रहे हैं और जनता भी समझ रही है बात को कि ऐसे जो भूमाफिया हैं अपराधी टाइप के लोग हैं उनसे बचना है, और सिवान के विकास को करना है तो उनसे बचकर ही रहना होगा। पहले आपने समर्थन देने का वादा किया था, उनके साथ जब संपर्क में निकल रहे हैं? जी जी, डेली हम लोग सुबह और शाम समय निर्धारित है उस समय पर हम लोग निकलते हैं और जनता जनार्दन से मिलते हैं और संपर्क करते हैं और बताते हैं अपने विचारों को कि हम लोग सिवान में आएंगे नगर परिषद में तो सिवान की जनता के लिए और सिवान के विकास के लिए कौन कौन सा काम करेंगे और क्या क्या प्लान है हम लोगों का। कहना चाहूँगा कि आने वाले 20 तारीख को 20 अक्टूबर को अपना बहुमूल्य वोट दे करके अपने सिवान के विकास के विकास में भागीदार बने। आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती है जो कि निर्धारित करेगा आपके सिवान के भविष्य को। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अनुरोध करेंगे कि अपना वोट, बहुमूल्य वोट जो है,
टॉप प्लेट जो एक नंबर पे है उसे दे और सिवान को विकसित जिला में शुमार करें। नवरात्र को लेके क्या कहेंगे जी? नवरात्र में तो सभी सबसे पहले मैं सिवान की सामान्य जनता को नवरात्र पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि पावन पर्व है और इसमें हम लोगों का यही प्लान रहेगा कि जो भी पंडाल पूजा का है जहाँ जहाँ पंडाल बना हुआ है उसमें साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो और मतलब गंदगी कहीं ना हो और पानी का अंबार ना लगे।